नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। रिवीजन बगैर लॉ याद रहना मुश्किल है, इसलिए रिवीजन करते रहना आवश्यक है। यह बात नर्मदापुरम की बेटी नवनियुक्त सिविल जज श्रेया गक्खर ने मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के मार्गदर्शन में अधिवक्ता संघ नर्मदापुरम के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर नर्मदापुरम स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा आयोजित ETC प्रशिक्षण कंप्यूटर वृद्धि कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर अतिथि कही। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि उनकी सफलता का मंत्र शेड्यूल बनाकर पढ़ना है। उन्होंने कठिन विषय को सरल विषय के साथ पढ़ने की बात भी कही। जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने इस दौरान VC के माध्यम से गवाही की प्रक्रिया के विषय में बताया और कहा कि न्यायालय में सुविधाएं बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के थापक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम संचालन DR शिवचरण पटेल ने व आभार संघ सचिव मनोज राठे ने माना। इस दौरान कार्यकारिणी के महासचिव सुरेंद्र सिंह राजपूत, ग्रंथपाल श्री प्रकाश दुबे, कार्यकारिणी सदस्य CK कुरापा, विजेंद्र राजपूत, रितेश विश्वकर्मा, श्रीमती पूजा वस्थी सोनी, राजेश चौरे, अधिवक्ता सौरभ तिवारी, श्रीकांत रघुवंशी, सूरज अग्रवाल के अलावा ECT प्रोग्राम में प्रशिक्षण लेने वाले लगभग 100 अधिवक्ता व न्यायालय विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा न्यायाधीशगण शामिल हुए। और बहुत सारी बातें उनके विषय में चर्चे के लिए मैं नर्मदा मारो कहा थे साथ से आगे तो उनसे अभी चैती श्रेया गक्खर आपके जो फादर हैं वो में लेक्चर रहे हैं अभी हैं वर्तमान। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।